इस वीडियो में हम बात करते हैं क्रांतियों का जो युग रहा है उस युग को हम मानते हैं 1830 से 1848 का जो टाइम है उसे हम क्रांतियों का टाइम मानते हैं या क्रांतियों का युग इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय बहुत सारी क्रांति हुई है। तो उन क्रांतियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को मजबूत बनाने की कोशिश की है, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़ करके देखा जाने लगा था। इटली और जर्मन के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी और राष्ट्रवादियों ने किया जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर थे, स्कूली अध्यापक थे, क्लर्क, वाणिज्य व्यापारी, ये सभी मध्यम वर्ग के जो लोग हैं इसमें लगे हुए थे। अगर हम प्रथम विद्रोह की बात करें, प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ था। बूर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद ही या 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका था और उसकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र है यहाँ पर स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष है लुई फिलिप था। और मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम यहाँ पर हो जाता है। फिर यहाँ पर जुलाई क्रांति से क्या हुआ, ब्रसेल्स में भी विद्रोह यहाँ पर भड़क गया और जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से यहाँ पर अलग हो गया, यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ है वो नीदरलैंड से यहाँ पर अलग हो गया। उसके बाद में एक घटना जिसने पूरे यूरोप को शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया वह था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया था। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिम यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला है जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन या यूरोपीय सभ्यता का पालना बता करके प्रशंसा की है और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए यहाँ पर जनमत जुटाया गया। और अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन, ये अंग्रेज कवि थे, लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए थे जहाँ 1824 में बुखार से उनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और अंततः क्या होता है, 1832 की यहाँ पर कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की यहाँ पर मान्यता दे दी थी। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना की अगर हम बात करें, राष्ट्रवाद का विकास है केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ है, राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका यहाँ पर निभाई है। कला और काव्य, कहानियाँ, किस्से और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया है। हम रूमानीवाद को देखें जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने यहाँ पर तर्क वितर्क दिए हैं और उनके आधार पर अगर हम बात करें, जब ये कवियों ने यहाँ पर तर्क वितर्क दिए हैं और विज्ञान के महिमा मंडन की यहाँ पर आलोचना की है और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर यहाँ पर जोड़ दिया है। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार यहाँ पर बनाया जाए। जैसे अगर हम इस चित्र की बात करें, ये जो चित्र दिखाया गया है ये फ्रांसीसी चित्रकार था देला क्रोआ, सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी चित्रकारों में से ये एक था। और ये जो विशाल चित्र बताया गया है ये चित्रित करता है कि कियास द्वीप पर कहा जाता है कि तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को यहाँ पर मार डाला था कियास द्वीप में। और ये देला क्रोआ ने इस घटना का नाटकीय बना करके महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाते हुए यहाँ पर चटक रंगों का प्रयोग किया है और ये देखने वालों की भावनाएं उभार करके यूनानियों के लिए सहानुभूति जगाने की यहाँ पर कोशिश की है। तो यहाँ पर 20,000 यूनानियों को मारा गया था। उसके बाद में हम बात करें, जर्मन दार्शनिक जोहान ग्रॉटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया है कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उनके आम लोगों में नहीं थी।
राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती है। इसलिए लोक नृत्य के इन स्वरूपों को एकत्र करना और राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए यहाँ पर बहुत आवश्यक था। और अगर हम बात करें यूनानियों बोलियों, जो यूनानी बोलियाँ हैं यहाँ पर स्थानीय बोली हैं, स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना था, जिसमें से अधिकांश निरक्षर थे। और यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रेसा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना यहाँ पर जीवित रखी गई। और मसलन यहाँ पर कैरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष को अपना ओपेरा और संगीत से गुणगान किया, और पोलोनेस और मांजुरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में यहाँ पर बदल दिया। अगर हम ग्रीम बंधुओं की कहानी की अगर बात करें, लोक कथाएं और राष्ट्र निर्माण में किस तरीके से सहयोग करती हैं, तो ग्रीम्स फेरी टेल्स एक जाना माना नाम है, और जैकब ग्रीम और ये विलहेलम ग्रीम बंधुओं का जन्म है 1785 से 1786 में जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था। और जिस समय ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय उन्होंने शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथाएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे 6 साल तक गांव-गांव जाकर यही काम करते रहे। वे लोगों से बात करते थे और पीढ़ियों से चली आ रही जो भी लोक कथा उनकी जानकारी में आती थी उसे लिख करके वो रख लेते थे। ये कहानियाँ बच्चों और बड़ों में समान रूप से पसंद की जाती थी, और 1812 में उन्होंने इन कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए और प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि यहाँ पर ली है। और इसी बीच में उन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित कर डाला था। ग्रीम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे, और उनको विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की हैं वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावना की अभिव्यक्ति हैं। और लोक कथाएं इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के अपने प्रयासों को वे फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान करने की व्यापक योजना का वो हिस्सा मानते थे। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटा करके रूसी भाषा की हर जगह यहाँ पर जबरन लादा गया, रूसी भाषा को जबरदस्ती लोगों पर लाद दिया गया, और 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे आखिरकार यहाँ पर कुचल दिया गया। और इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक अधिकार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल किया गया, और इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था, और पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में यहाँ पर देखी जाने लगी। उसके बाद में भूख कठिनाइयों और जन विद्रोह की अगर हम बात करें, किस तरीके से भूख बढ़ती है यहाँ पर, किस तरीके से कठिनाइयाँ बढ़ती हैं, और किस तरीके से ये चीज़ें हैं जन विद्रोह में बदल जाती हैं। 1830 का दशक है यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर के आया था। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद है उपलब्ध रोजगारों से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर के भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़ों से यहाँ पर बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर जो था वो महाद्वीप से ऊंचा था, और महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। और यूरोप के इन इलाकों में जहाँ कुलीनबर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों का बोझ तले यहाँ पर दबे थे, और खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने और किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांवों में व्यापक गरीबी यहाँ पर फैल जाती थी। उसके बाद में अगर हम देखें, ये कृषक विद्रोह है जो कि 1848 का दिखाया गया है। 1848 एक ऐसा वर्ष था जहाँ खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से क्या हुआ, पेरिस के लोग हैं सड़कों पर आ गए और जगह जगह यहाँ पर अवरोध लगाए गए, और लुई फिलिप को भगाने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया, काम के अधिकार की गारंटी दी,
और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने यहाँ पर स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में वुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल दे करके निर्मित कपड़ा लेते थे, और परंतु वहाँ पर बहुत दाम है बहुत कम देते थे। पत्रकार विलहम वोल्फ ने सिलसिलिया के एक गांव की घटनाओं को इस प्रकार बयान किया है कि इन गांवों में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक था। श्रमिक की हालात है वो खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठा करके ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें यहाँ पर गिरा दी हैं, और 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ ने अपने घरों से निकली और दो कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी यहाँ पर पहुंच जाती है। वे ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे और उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां यहाँ पर दी गई, और इसके बाद यह भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियाँ, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी यहाँ पर नफीस चीजें यहाँ पर तोड़ दी, और एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुस करके कपड़े के भंडार को लूट कर उसे तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से यहाँ पर इनकार कर दिया, और 24 घंटे के बाद सेना को बुला करके उसकी मदद से वो लौटा, और इसके बाद में जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को यहाँ पर गोली मार दी गई। उसके बाद में हम बात करें कि ये जो स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ था, तो इसमें हम बात करेंगे स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ था। उदारवादी राजनीतिक कार्ल वेलकर ने, जो फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, उन्होंने अपने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। जैसे प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है। पुरुष जो ज़्यादा ताकतवर हैं, दोनों में से ज़्यादा निर्विघ्न हैं और मुक्त है, उसे परिवार का रखवाला और भरण पोषण करने वाला बनाया गया है, और वह कानून, उत्पादन और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए है। महिला जो कमजोर है, निर्भर है और दम्भू है, उसे पुरुष की सुरक्षा की आवश्यकता है, और उसका क्षेत्र घर, बच्चों की देखभाल, परिवार का पालन पोषण है। क्या हमें कोई प्रमाण चाहिए कि इन भेदों के बाद लिंगों में बराबरी केवल परिवार के मेल मिलाप और गरिमा को खतरे में डाल देगी? तो लुइजे ऑटो पियर्स एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की है, और उसके अखबार है 21 अप्रैल 1849 के प्रथम अंक में कुछ संपादकीय छपा था जिसमें ये पूछा कि कितने पुरुष जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के विचारों से ओतप्रोत थे, सभी लोगों ने सभी इंसानों की आज़ादी के लिए तैयार होंगे, और जब उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि वे बड़ी आसानी से जवाब देंगे, तो हालांकि उनके अथक प्रयास केवल आधी मानव जाति के फायदे के लिए हैं यानी पुरुषों के लिए हैं, मगर स्वतंत्रता तो अविभाज्य है, अतः स्वतंत्र पुरुषों को परतंत्रता से घिरे रहना मजदूर नहीं होना चाहिए या मंजूर उनको नहीं होना चाहिए। महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना वाकई बेतुका और अविवेकपूर्ण था, जबकि उन्हें संपत्ति का अधिकार है जिसका वे इस्तेमाल करती हैं और जिम्मेदारी भी उठाती हैं। हालांकि उन्हें वे लाभ नहीं मिलते जो उसी के लिए पुरुषों को मिलते हैं, वह अन्याय क्यों? क्या यह लज्जा की बात नहीं है कि सबसे मूर्ख मवेशी पालक को मत देने का अधिकार सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह एक पुरुष है, जबकि एक अत्यंत काबिल महिला को, जो काफी संपत्ति की मालकिन होती है, इसी हक से वंचित रखा जाता है, यद्यपि वे राज्य के रखरखाव में इतना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो यहाँ पर हम बात करें उदारवादियों की जो क्रांति होती है 1848 की, वो किस तरीके से होती है। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूरी विद्रोह ग्रस्त किसान हैं यहाँ पर मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्ग की एक क्रांति भी यहाँ पर हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को यहाँ पर गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की यहाँ पर घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्विक मताधिकार पर आधारित था, और यूरोप के अन्य भागों में जहाँ अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया, और उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। और जब राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर ये आधारित था, जर्मन इलाके में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर के एक सर्विस जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया,
18 मई 1848 को 831 निर्वाचित पदाधिकारियों ने एक सजे धजे और जुलूस में जाकर के फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया, और यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई, और उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, और उस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। और जब प्रतिबंधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलहम चतुर्थ को ताज यहाँ पर पहनाने की पेशकश की, तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सदा के विरोधी थे। और जहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, और जिससे वे उसका समर्थन खो बैठे, और अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर यहाँ पर मजबूर हुई। जब असेंबली यहाँ पर भंग हो जाती है तो उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा है वो विवादास्पद था, क्योंकि हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया है, महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए हैं, अखबार शुरू किए हैं, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत रही हैं, इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान क्या है बाहर रखा गया। तो जब इसके बावजूद और इन सबके बावजूद भी यहाँ पर उनको असेंबली के चुनाव के दौरान बाहर रखा जाता है, और जब असेंबली के चुनाव के दौरान कोई भी महिला है मताधिकार से जब वंचित रखी जाती है, जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया था। नारीवाद की अगर बात करें, नारीवाद स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार और हितों का बोध कराता है हमारा नारीवाद। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं इस मानचित्र में सेंट पॉल की चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का चित्र बताया गया है। यहाँ पर ये जो बाईं तरफ बैठी हैं, यहाँ पर ये लेडीज बैठी हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये लेडीज बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, तो हालांकि ये दर्शकों के रूप में बैठी हैं। हालांकि रूढ़ीवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था यहाँ पर बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायत देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है, और अतः क्या हुआ, 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिम यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैम्सबर्ग अधिकार वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो इस हैम्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैम्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा सहायता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता भी साफ हो गया। फिर बात करते हैं जर्मन और इटली का निर्माण किस तरीके से होता है। उससे पहले अगर हम विचारधारा की बात करें, विचारधारा क्या होता है, एक खास प्रकार की सामाजिक राजनीतिक दृष्टि को इंकित करने वाला विचार का समूह होता है विचारधारा। जर्मन और इटली का निर्माण किस तरीके से होता है। जर्मन क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है, उसकी अगर हम बात करें तो 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल यहाँ पर किया है, और यहाँ पर जिसने हम इस प्रक्रिया में देखते हैं कि जर्मनी और इटली एकीकृत होकर के राष्ट्राज्य बने हैं, और राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मनी लोगों में काफ़ी व्याप्त थी, और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़ करके एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया है। मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकतों से मिलकर दबा दी गई थी। उनकी प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया, और उसके पश्चात प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया, और उसका प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क के इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली है। और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस ने या
हम बात करते हैं 7 वर्षों के दौरान क्या हुआ। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस ने से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 को सुबह बेहद ठंड थी। जर्मन राज्यों के राजकुमार, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल के बेहद ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में हुई थी। और सभा ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में एक नए जर्मन साम्राज्य की यहाँ पर घोषणा की थी। जर्मन में राष्ट्रनिर्माण प्रक्रिया ने प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकरण पर काफी जोर दिया और प्रशा के द्वारा उठाए गए कदम और उनके कार्यवाहियां बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना था। आंतवान वर्नर की कृति की अगर बात करें, वर्साय के हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मनी साम्राज्य की घोषणा में यहाँ पर बताया गया है, ये उनके पास में एक बिस्मार्क यहाँ पर बताए गए हैं। 1885 में बिस्मार्क के 70वें जन्मदिन पर उन्हें भेंट किया गया है। फिर बात करते हैं इटली का निर्माण किस तरीके से होता है। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। जैसे अगर हम बात करें प्रशा 1866 से पहले हम देखें, ये 1866 से पहले का प्रशा है, राइनलैंड है, विस्फेलिया है, ब्रिडनबर्ग है, सिलेसिया, पोसिन, पश्चिम प्रशा, पूर्वी प्रशा। उसके बाद में ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध 1866 से पहले प्रशा द्वारा विजित, ये यहाँ पर बताया गया है। ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध होनोवार है, सेलेसबर्ग है। उसके बाद में जर्मन महासंघ से बेदखल ऑस्ट्रेलिया भूभाग 1867 में है, तो जर्मन महासंघ से बेदखल है ये 1867 में। उसके बाद में जर्मन महासंघ की स्थापना हुई तो प्रशा में शामिल 1867 में, तो प्रशा में शामिल जो हुआ था ये वाला पोर्शन शामिल हुआ था प्रशा में, मेकेलबर्ग, सेरेबन। उसके बाद में जर्मन साम्राज्य की स्थापना हेतु दक्षिण जर्मन राज्य प्रशा में शामिल हुआ, तो दक्षिण जर्मन यहाँ पर है ये भी राज्य में शामिल होता है ये वाला पोर्शन। उसके बाद में फ्रांस प्रशा युद्ध में प्रशा के द्वारा विजित 1871, तो 1871 में ये विजित किया गया था ये वाला पोर्शन। अब हम बात करते हैं ये जर्मनी का एकीकरण हुआ 1866 से 1871 के बीच में। अब 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमांड में एक इतावली राजघराने का शासन था। तो यहाँ पर हम बात करें जो सार्डिनिया पीडमांड है, सार्डिनिया पीडमांड में एक इतावली जो है, इतावली राज्य है या हम कह सकते हैं इतावली राजघराने का शासक था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रेलिया हैब्सबर्गों के अधीन था, मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिण क्षेत्र स्पेन के बूबो जो स्पेन के जो बुर्बो राजाओं के अधीन थे। इतावली भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया और अभी तक उनके विविध क्षेत्रीय और राजनीतिक स्वरूप यहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर जैसे ये जर्मन राइखस्टैंग में ऑन ऑटो वॉन बिस्मार्क का ये चित्र बताया गया है, एक तरीके से व्यंग चित्र है ये। तो 1830 के दशक में जूसेपे मैथसिनी ने एकीकृत इतावली गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी और उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। 1831 से 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहियों की असफलता से युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी यहाँ पर सार्डिनिया और पीडमांड के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई थी और इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली और उसके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख काबूर और जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, न तो एक क्रांतिकारी था न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। इतावली अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतावली भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था और फ्रांस से यहाँ पर सार्डिनिया पीडमांड की एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे काबूर का हाथ था, इसने यहाँ पर सार्डिनिया पीडमांड 1859 में ऑस्ट्रेलिया बलों में हरा पाने में ये कामयाब रहा है और नियमित सैनिकों के अलावा
जूसेपी गोरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयं सेवकों से इस युद्ध में यहाँ पर हिस्सा लिया था। उसके बाद में क्या होता है, 1860 में वे दक्षिण इटली और दो यहाँ पर सिसिलियो के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में एमनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिसमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। और दक्षिण इटली में जिन आम लोगों ने यहाँ पर गैरिबाल्डी को समर्थन किया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी नहीं सुना था और वे मानते थे कि लाटेलिया विक्टर एमनुअल की पत्नी है। और ब्रिटेन की अजीब दास्तान की अगर हम बात करें, ये जो ब्रिटेन की अजीब दास्तान बताई गई है, तो एकीकरण के पहले और एकीकरण के बाद हम देखें ब्रिटेन की अजीब दास्तान। एकीकरण से पूर्व इटली बताया गया है ये 1858 में, एकीकरण से पूर्व का है चित्र 1858 का, और ये एकीकरण के बाद का है इटली, और ये यहाँ पर एकीकरण के बाद का चित्र है। अब एकीकरण 1866 से 1871 58 60 का यहाँ हो गया, इधर 58 और 60 का हो गया, 70 वाला यहाँ हुआ, तो 71 के आसपास ही एकीकरण हुआ था। अगर निजातीय क्या की बात करें, निजातीय एक साझा नस्ली जनजाति है या सांस्कृतिक उद्गम या अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान बनाता है, वो निजातीय कहलाता है। 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं, ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों, अंग्रेज और बेल्स और स्कॉट और आयरिश की मुख्य पहचान है वो निजातीय थी, और इन सभी जातीय समूह की अपनी यहाँ पर सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज राष्ट्र की दंडौलत और अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ, और एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद में आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली, और इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था, और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का संगठन हुआ। और इसमें इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा गया था, और इसके बाद ब्रितानी संसद में अंग सदस्यों का दबदबा रहा है। ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास प्रतियोगिता और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी, जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने और अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी, और उसमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर यहाँ पर मजबूर किया गया। उसके बाद में हम देखते हैं जूसेपे गैरिबाल्डी, संभवतः इटली की स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे मशहूर थे। उनका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था, और वह स्वयं व्यापारिक नौसेना में एक नाविक, और 1833 में उनकी मुलाकात है मो मैत्सनी से हुई, और वह यंग इटली आंदोलन से जुड़ा, और 1834 में पीडमांट के गणतंत्रीय विद्रोह में उसने भाग लिया, और यह विद्रोह कुचल दिया गया। गैरिबाल्डी को दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा, और जहां वह 1848 तक निर्वासन में रहा। 1854 में उसने विक्टर एमनुअल सेकंड का समर्थन किया, जो इतालवी राज्यों को एकीकृत करने का प्रयास कर रहा था, और 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ से यहाँ पर एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड्स, हजार लोगों का अभिवादन का नेतृत्व किया, और इस अभिवादन में नए स्वयंसेवक जुड़ते चले गए, और उनकी संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई। वे रेड शॉर्ट्स के नाम से लोकप्रिय हुए। 1867 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की एक सेना पेपल राज्यों से लड़ने रोम गई, जो इटली के एकीकरण में अंतिम था, और वहाँ एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। रेड शर्ट्स फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिके नहीं पाए, और 1870 में जब प्रसा ने युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा लिए, जब जाकर के पेपल राज्य अंततः इटली में यहाँ पर शामिल हुआ। आयरलैंड का ही कुछ ऐसा ही असर हुआ था, यह देश कैथलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुट समूह में बटा हुआ है।
अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की और ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह की यहाँ पर निर्ममता से कुचल दिया गया। वॉल्फटन और उसके यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया और नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रितानी झंडा और राष्ट्रीय गान और गॉड सेव अवर नोबल किंग इनका खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्रों के संघ में मताहत सहयोगी के रूप में ही यहाँ पर रह गए थे। उसके बाद में राष्ट्र की अगर दृश्य कल्पना की बात करते हैं तो राष्ट्र की दृश्य कल्पना किस तरीके से होनी चाहिए, किसी भी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में व्यक्त करना है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानकीकरण करके इस प्रश्न को यहाँ पर हल किया था और जब ये हल किया था तो दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया था जैसे कोई एक व्यक्ति हो, और उस समय राष्ट्रों को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए किसी नारी रूप का चुना जाता था और यह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार का ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक यहाँ पर बन गई है। तो 1850 के डाक टिकट हम देख सकते हैं, इसमें मैरियान की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया है और इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं और प्रतीकों से व्यक्त किया गया है। जैसा कि हमें याद होगा कि स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या फिर इंसान को आमतौर पर ऐसा महिला के प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी हुई है और वह तराजू के लिए है, तो महिला के प्रतीकात्मक के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार नारी रूपकों का आविष्कार है कलाकारों ने 19वीं सदी में किया है। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम है मोरियन दिया गया है, जिसमें जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया गया है। इसमें चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा, कलगी, मैरियान की प्रतिमाएं, सार्वजनिक युद्धों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता की राष्ट्रीय प्रतीक की याद आ जाती और लोग उससे तदात्म्य स्थापित कर सके, और मैरियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। और इसी तरह यहाँ पर जर्मनी राष्ट्र का रूपक बन गया और चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों की मुकुट पहनती थी क्योंकि जर्मन बमूल वीरता का प्रतीक यहाँ पर माना जाता था। रूपक की बात करें, एक ऐसा अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए अंकित करना, और यह रूपात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक होता है और एक प्रतीकात्मक होता है। जर्मेनिया चित्रकार फिलिप वेट की बात करें 1848 की, तो चित्रकार ने जर्मेनिया के चित्र को सूती डंडे पर बनाया है, चूँकि सेंट पॉल चर्च की छत से लटकना था और जहाँ मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद यहाँ पर बुलाई गई थी। उसके बाद में हम देखें कि ये जो प्रतीकों के अर्थ हम देखें, टूटी हुई बेड़िया मतलब कि आज़ादी मिलना, टूटी हुई बेड़िया का मतलब है, बाज छाप कवच यानी जर्मन साम्राज्य का प्रतीक शक्ति, बलूत पत्तियों की मुकुटी मतलब बहादुरी, तलवार मतलब मुकाबले की तैयारी, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली मतलब शांति की चाह, काला, लाल और सुनहरा तिरंगा 1848 में उदारवादी राष्ट्रियों को झंडा जिसे जर्मन राज्यों के गुट्स से प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है, उगते सूर्य की किरणें हैं, एक नए युग का सूत्रपात हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हम देखें तो ये दी फॉर्मेन जर्मेनिया, हताश जर्मेनिया जुलूस जुलिया से हार्बुनर 1850 में यहाँ पर दिखाई गई है। उसके बाद में एक और लेडी है यहाँ पर, ये है जर्मेनिया गार्डिंग दी राइन यानी राइन नदी पर पैरा देती जर्मेनिया यहाँ पर दिखाई गई है। 1860 में चित्रकार लॉरेंज क्लाइसेन को यह चित्र बनाने का काम सौंपा गया और जर्मेनिया की तलवार पर खुदा हुआ और जर्मन तलवार जर्मनी राइन की रक्षा करती है वो हम देख सकते हैं या हम महसूस कर सकते हैं। उसके बाद में राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की बात करें, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या होता है,
राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की बात करें तो 19वीं सदी के अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा है जो सभी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों तक संकीर्ण सिद्धांत बन गया है और इसी बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए हैं और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत है बाल्कन क्षेत्र था और इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय विविधता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गेरिया, अल्बेनिया, यूनान और मैसिडोनिया, क्रायोएशिया, वेस्टोनिया, हर्जोगोविना, स्लाइवर्निया, सर्बिया, मोंटीनिग्रो शामिल थे और इस क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। और बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा है ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था और बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों को फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन में स्थिति काफ़ी बड़फोटक हो गई थी। यहाँ पर 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुरक्षा के या आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा, किंतु इसमें से बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक करके या एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रवादियों उसके चंगुल से निकल करके स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी और बाल्कन लोगों ने आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का अधिकार आधार दिया है। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया है कि देश कभी स्वतंत्र थे किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें छीन लिया है। अतः बाल्कन क्षेत्र के विरोधी राष्ट्रीय समूह ने उन अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी के वापस पाने के लिए इस्तेमाल किया है। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र यहाँ पर बन जाता है और बाल्कन राज्य एक दूसरे से काफ़ी ईर्ष्या करते हैं। वे एक दूसरे राज्य के अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद कर रखता है। परिस्थितियाँ और अधिक जटिल इसलिए हो गई है क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है और उस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा है। और जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी है उनमें से एक प्रतिस्पर्धा खुलकर के सामने आई है। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हंगरी की भी हर ताकत बाल्कन पर उन शक्तियों की पकड़ का कमजोर करके या शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती है और इसमें से इस इलाके में कई युद्ध हुए हैं। अंततः प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ है वो 1814 से 1818 के बीच में हुआ था। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का यशगान करना। हम देखें अगर ब्रिटिश साम्राज्य का यशगान करना हो तो किस तरीके से किया जाएगा, तो यहाँ पर सबसे ऊपर हैं फरिश्ते बताए गए हैं और ब्रिटिश राष्ट्र का जो प्रतीक है ब्रिटानिया विजय भाव के साथ भूमंडल के ऊपर बैठा है। उपनिवेशों को शोर, उपनिवेशों को शेर, हाथी, वन और आदिम समुदायों की छवियों के लिए यहाँ पर दर्शाया गया है और दुनिया प्रभुत्व को ब्रिटिश राष्ट्रीय गौरव का विषय यहाँ पर बताया गया है। फिर बात करें साम्राज्यवाद की से जुड़कर, राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप की महाविदों की ओर यहाँ पर ले गया, लेकिन इस विश्व के अनेक देशों में अपना या 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने आविष्करण किया है और राष्ट्रवादियाँ प्रभुत्व का या राष्ट्रवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ से साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए और इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रियाओं में उभरी है। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया है, मगर यह विचार जो है समाजों को राष्ट्र राज्य में गठित किया जाता है यह स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लेना चाहिए।